नमस्ते दोस्तों। तो आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए न्यू टिप्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि जैसे ये गरम आलू है, इनका बहुत ही अच्छा तरीका छीलने का। तो ये देखिए, हम इस तरह से पूरी छन्नी लेंगे और इस पर इस तरह से घिसेंगे तो ये पूरा आलू हमारा, ये देखिए, इस तरह अच्छे से निकल जाएगा और छिलका ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसी तरह आप इसे छील सकते हैं आलू को, देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छे से ये छिलके तैयार हो जाते हैं। देखिए छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन बहुत ही काम आने वाली ये टिप्स हैं। ये देखिए छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे और आलू ये देखिए नीचे भरता बन के तैयार हो जाएगा। तो दूसरी टिप्स हमारी इस तरह मिर्ची से है कि हम मिर्ची हाथ से काटते हैं तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं या वैसे भी लगती है तो क्या करें, पन्नी बांधें इस तरह से दोनों हाथ में और ये देखिए फटाफट मिर्ची कट जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे हाथों में भी नहीं लगेगी और मिर्ची भी कट के तैयार हो जाएगी। तो छोटे छोटे हैं, कमाल के टिप्स हैं जो आप इनको अपना के ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद हम पन्नी निकाल देंगे। अगला टिप्स हमारा है चाय पत्ती से। तो कभी कभी हमारा अदरक या इलायची वाली चाय पीने का मन होता है तो अदरक तो हम डाल देते हैं लेकिन इलायची क्या करें, इस तरह से चाय पत्ती में आप डाल दें तो इससे क्या होगा, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी और फटाफट आप जब भी चाय बनाएंगे तो इस तरह से साथ में इलायची भी पड़ जाएगी, ये देखिए इस तरह से। जब भी चाय बनाएं तो आप इस तरह से निकालें और चाय को यूज़ कर लें। तो इससे हमारा अगला टिप्स हमारा है इस तरह एलोवेरा से। तो ये देखिए हमने लिया, इसे हम छील लेते हैं। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदा है, करता है हमें बहुत चीज़ों में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से छील के अलग कर लेंगे, ऊपर से इसे अच्छे से धुल के और छील लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने छील लिया है और उसके बाद हम इस तरह से इसे गुदा इसका ये देखिए निकाल लेंगे जो भी रस है। तो इस तरह से चम्मच से हम एक कटोरी में इस तरह निकाल के ये देखिए रखेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह हल्दी डाल के अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद आप अपने चेहरे पे लगाएं, इससे हमारे दाग धब्बे मिट जाते हैं। तो इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लगा के 15 मिनट और फिर उसके बाद हम ठंडे पानी से धुल देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये देखिए हमने धुल दिया है। तो अगला टिप्स हमारा है नमक से। तो एक चम्मच हम नमक लेंगे, थोड़ा सा पानी इस तरह मिला लेंगे और उसके बाद हम ये देखिए जब भी खाना बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं या सब्जी बनाते हैं कढ़ाई में या भगोने में, इस तरह हम तली में लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि बर्तन हमारे जलेंगे नहीं, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह लगा के हम इसे सीधा करते हैं, उसके बाद हम इसमें दूध उबाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम गरम करेंगे तो ये जलेगा नहीं बिल्कुल तली। अगला टिप्स हमारा ये आलू के भरते से है। जब भी हम पराठा बनाएं तो आलू के भरते में ये कसूरी मेथी थोड़ी सी ज़रूर डालें, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए थोड़ी सी लेंगे और हाथ में इसे मसलते हुए इस तरह हम डाल देंगे तो पराठा बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।